3 सेक्शंस आपने करने हैं इक्वल, ठीक है। देन आपने इसको इस तरीके से ब्रेड बनानी है। मैंने ये भी सेक्शन कर लिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ से भी इस तरीके से सेक्शन लेना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं आप लोग के साथ बहुत ईजी हेयर स्टाइल शेयर करूँगी आज ईजी टेक्निक्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने ब्रेड बनानी है इस तरीके से। सेंटर पार्टीशन में ही हमने अपनी हेयर स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। और हमने ब्रेड किस तरीके से बनानी है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने लाइट सा वी शेप दिया, प्रॉपर वी नहीं लिया। और आपने इधर से सेक्शन लेना है, 3 सेक्शंस करके आपने इसको इस तरीके से ब्रेड बनानी है। ठीक है, सिंपल आपने इस तरीके से ब्रेड बनानी है। वन साइड में ब्रेड बना रही हूँ। बारीक बारीक आपने लेयर्स लेनी, जितनी आप बारीक लेंगे उतना इसका लुक अच्छा आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक मैंने इस लेयर्स ली हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। फिनिशिंग के साथ आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है, साथ साथ हेयर्स को सुलझाते रहना है ताकि आपके हेयर्स मैस नहीं हो, ठीक है। और आपने यहाँ ला के इसको स्किप करना है और इस तरीके से यहाँ पे पिन करना है। क्रॉस में पिंस लगानी है, मैं हमेशा आपको ये बात बताती हूँ। अब हमारी ये वाली ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने लेयर ली, यहाँ से सेक्शन लेना है, 3 सेक्शंस आपने करने हैं इक्वल, ठीक है। देन आपने इसको इस तरीके से ब्रेड बनानी है, ठीक है। आपने इसको स्ट्रेट नीचे लेकर आना है, कोई शेप नहीं देना इस तरीके से। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से स्ट्रेट में ही लेकर आ रही हूँ और इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है, बहुत एलिगेंट लुक लग रहा है। ये हेयर स्टाइल ओपन हेयर्स के साथ आप लोग बना सकते हैं, स्ट्रेटनिंग करना चाहें स्ट्रेटनिंग के साथ, कर्लिंग करना चाहें कर्लिंग के साथ आप ये बना सकते हैं। यहाँ ला के मैं इसको स्किप करूँगी। आपने यहाँ पर रबर बैंड कर देना है, ठीक है, मेरे पास ये, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया रबर बैंड की हेल्प से। सेम मैंने इधर भी सेक्शन कर लिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ से भी इस तरीके से सेक्शन लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे भी उस तरीके से ही ब्रेड बनानी है, बारीक बारीक लेयर्स लेकर, ठीक है। व्यूअर्स कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम पर भी चैनल जो पेज है आप उसको अकाउंट को जाके फॉलो करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई हेयर स्टाइल ऐसा जो मैंने अब तक आपको ना सिखाया हो, वीडियो शेयर ना की हो, तो आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टा पे और मैं इंशाल्लाह फिर उसकी जल्द आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने बारीक बारीक लेयर्स लेते जाना है और आपने इसको यहाँ पर ला के डन करना है, ठीक है। इस तरीके से लाइन टू लाइन आप ले लें और यहाँ आप ला के इसको स्किप कर दें। इस तरीके से आपने यहाँ पे ब्रेड स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे हमने उस साइड पे बनाई थी हम सेम बनाएंगे। आपने स्ट्रेट नीचे लेकर आना है इसको, लाइन टू लाइन हम वर्किंग करेंगे। स्ट्रेट हमने बिल्कुल रखना है इसको, हमने इसको ऊपर की साइड पे लेकर नहीं जाना, हमने डाउनवर्ड ही रखना है इसको, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आप हेयर स्टाइलिंग अपनी करिएगा, जितनी फिनिशिंग आप रखेंगे उतना नीट आपका हेयर स्टाइल लगेगा और उसका लुक भी अलग ही आता है, ठीक है। व्यूअर्स अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी किया करें मेरी वीडियोस को। मैं इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए ही लेकर आती हूँ इजी इजी टेक्निक्स के साथ, ताकि आप लोग इजीली हेयर स्टाइलिंग को सीख सकें। आप इन्वेस्ट करने से अच्छा है, आपको सोशल मीडिया की ऐप इतनी अच्छी है कि आप यहाँ से हर चीज़ सीख सकते हैं, तो आप लोग के लिए ही वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ईजी हेयर स्टाइलिंग सीख सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है।
इस तरीके से आपने ला के यहाँ पे स्किप कर देना है। सेम व्यूअर्स, मेरे पास पर्ल्स हैं, इसको मैं ये वाली ब्रेड में एडजस्ट करूँगी, ठीक है, ऊपर वाली में नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इधर लुक अच्छा ज़्यादा आएगा। ये वाली ब्रेड हमारी इनहेंस ज़्यादा होगी, ये बहुत न्यू हेयर स्टाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ओपन लुक के साथ आप लोग बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, सेम हमने इस साइड पे पर्ल्स लगाने हैं। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा लुक डन हो चुका है, स्ट्रेटनिंग के साथ मैंने ये लुक दिया है, और आप लोग को कैसा लगा स्टाइल मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।